Good morning, class 7. My name is Dipali Prasad from Vardhaman Convent School and I am here to teach you English of class 7. And today we will learn lesson 2, a new idea of good manners. So, good manners means achha vyavhar ya achha aacharan jo har vyakti ke andar hota hai. So, is lesson mein hum achhe vyavhar ke bare mein padhenge. So, let's start the reading. Take out page number 8, lesson 2, A New Idea of Good Manners. The town high school has just opened this morning after the long summer vacation. It means, ek lambe summer vacation, matlab garmi ki chuttiyon ke baad, town high school is a school name. To town high school ek lambe summer vacation ke baad mein aaj hi subah open hua. Ravi and Anand are in the 7th class. Ravi spent his vacation at a village. Anand spent almost all of it in the town. He went away for only a few days to see his uncle. It means Ravi और Anand 7th class में थे. Ravi ने अपना पूरा vacation गांव में बिताया और Anand ने अपना पूरा vacation लगभग town मतलब city में बिताया और वह कुछ दिनों के लिए सिर्फ अपने uncle के यहाँ घूमने गया था. They have just met a new boy in the school. His name is Ashok. He has just joined the school and is almost a stranger to them. फिर जब समर वेकेशन खत्म होने के बाद वे स्कूल गए तब वे स्कूल में एक नए लड़के से मिले जिसका नाम था अशोक. अशोक ने अभी नया नया स्कूल ही ज्वाइन किया था और वह उनके लिए स्ट्रेंजर था. स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी. रवि टू अशोक, इट मीन्स रवि अशोक से कहता है, आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर, मतलब मैंने पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा. आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर टू दिस स्कूल, आर यू अ न्यू बॉय, मुझे लगता है कि तुम इस स्कूल के लिए एक स्ट्रेंजर हो, क्या तुम नए लड़के हो. अशोक, यस आई एम, हाँ मैं हूँ, एंड आई एम ज्वाइनिंग क्लास 7th, विच क्लास आर यू इन. अशोक रवि से कहता है कि हाँ मैंने क्लास 7th अभी अभी ज्वाइन की है और तुम कौन सी क्लास में हो. रवि, आई एम इन क्लास 7-2, इट मीन्स मैं भी 7th क्लास में हूँ. माई नेम इज़ रवि एंड दिस इज़ माई फ्रेंड आनंद, मेरा नाम रवि है और यह मेरा फ्रेंड आनंद है. आनंद, आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू अशोक, हाउ आर यू. आनंद कहता है कि मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई अशोक, और तुम कैसे हो. अशोक, I am fine, thank you. But excuse me, are you also in the 7th class? फिर अशोक आनंद से कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम भी 7th class में हो. आनंद, yes. रवि, I am sorry, I forget to tell you that. Have you had a look at our school? अशोक. रवि अशोक से पूछता है कि sorry, मैं तुमसे पूछना भूल गया कि क्या तुमने हमारा स्कूल देखा. अशोक, No, I haven't yet, but I would very much like to. अशोक ने कहा, नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन यह मुझे बहुत पसंद आएगा. Shall we go to the library and have a look at the books? और अशोक कहता है कि चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं और कुछ बुक्स देखते हैं. आनंद, Yes, why not? क्यों नहीं. The three boys go to the library. फिर तीनों लड़के लाइब्रेरी की ओर जाते हैं. आनंद, Ours is not a very big school and so this isn't a very big library. फिर आनंद बोलता है कि हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ की लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी नहीं है. रवि, But it is a good one. It has many interesting story books. फिर रवि कहता है, लेकिन यह बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत सारे interesting means दिलचस्प story books भी हैं. अशोक, Are there some plays too? फिर अशोक कहता है कि यहाँ प्लेस बुक भी है. प्लेस मतलब नाटक की किताबें. Yes, there are. I read one last year, but I didn't like it. It was a bit dull. रवि कहता है कि हाँ यहाँ है. मैंने लास्ट ईयर एक बुक पढ़ी थी, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं आई. वो बहुत ही डल, यहाँ डल मीन्स बोरिंग, वो बहुत ही बोरिंग थी. अशोक, Do you like to watch a play? क्या तुम्हें
प्ले देखना पसंद है? रवि, आई वेरी मच लाइक टू वॉच प्लेज बट आई कांट स्टैंड रीडिंग देम, स्टोरी बुक्स आर नेवर डल। फिर रवि कहता है कि मुझे प्लेज देखना बहुत पसंद है लेकिन उन्हें पढ़ना बिल्कुल नहीं, और स्टोरी बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है क्योंकि वह बोरिंग नहीं होती। अशोक, बट वुड यू लाइक टू एक्ट इन अ प्ले, पर क्या तुम्हें प्ले में एक्ट करना पसंद है? रवि, नॉट वेरी मच बट आनंद वुड लव टू। रवि कहता है कि मुझे पसंद नहीं है लेकिन आनंद को पसंद है। आनंद, यस आई लाइक एक्टिंग वेरी मच, हाँ मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्ट इफ आई एम आस्क्ड टू, मतलब यदि कोई मुझसे पूछे एक्टिंग के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। देयर इजंट एनीथिंग डल अबाउट एक्टिंग, इट मीन्स एक्टिंग के बारे में कुछ भी बोरिंग नहीं है। थोस बिग फैट बुक्स आर अ बिट डल परहैप्स बट एक्टिंग इज नॉट, परहैप्स मीन्स शायद वो जो मोटी मोटी बुक्स रखी हैं वो बोरिंग हो सकती है लेकिन एक्टिंग नहीं। अशोक, व्हाट आर दे, फिर अशोक पूछता है कि वो कौन सी बुक्स हैं। रवि, दे आर डिक्शनरीज, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, रवि कहता है कि वे डिक्शनरीज हैं। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन मीन्स मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं। अशोक, यस डू आस्क, हाँ पूछो। क्लास सेवेंथ, डू यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी, क्या आपने पहले डिक्शनरी देखी है, और अगर देखी है तो क्या कभी उसका यूज किया है? देखो बच्चों, डिक्शनरी को हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, मतलब जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, कठिन शब्द जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता है, तो उन सारे वर्ड्स के मीनिंग हमें डिक्शनरी में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उसे हिंदी में शब्दकोश कहा जाता है, मतलब शब्दों का भंडार। नाउ रवि, डू यू नो हाउ टू यूज अ डिक्शनरी, रवि पूछता है अशोक से कि क्या तुम्हें पता है डिक्शनरी का यूज कैसे करते हैं। अशोक, माई ग्रैंडफादर टोट मी हाउ टू यूज अ डिक्शनरी 2 years ago, मीन्स 2 साल पहले मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था कि डिक्शनरी का यूज कैसे करते हैं। आई हैव बीन यूजिंग वन एवर सिंस, तब मैंने एक बार उसे यूज किया था। आनंद, दैट्स गुड, वेन आई रीड अ बुक आई समटाइम्स वॉन्ट टू लुक अप द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी। आनंद कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है, जब हम कोई भी बुक रीड करते हैं तो कई बार हमें बुक में नए नए वर्ड्स मिलते हैं तो हम उन न्यू वर्ड्स को डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं। बट वेरी ऑफ्टन आई फील लेजी एंड डिसाइड नॉट टू, लेकिन कई बार मैं आलस फील करने की वजह से ऐसा नहीं करता, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई सारे बच्चों को डिक्शनरी का यूज करना आता है लेकिन वह अपने आलस की वजह से ऐसा नहीं करते, बिल्कुल आनंद की तरह। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, क्यों, सही है ना? चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रवि, बट सपोज यू आर राइटिंग एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड, वुड यू लुक इट अप देन। रवि पूछता है कि मान लो कि तुम कुछ लिख रहे हो और तुम्हें किसी वर्ड का स्पेलिंग नहीं आती तो फिर तुम क्या करते हो? आनंद, देन आई वुड हैव टू लुक द वर्ड अप, इफ आई स्पेल वर्ड्स रॉन्गली माई राइटिंग विल बी फुल ऑफ मिस्टेक्स, आई डोंट लाइक इट। आनंद कहता है कि तब मैं डिक्शनरी देखता हूँ क्योंकि यदि जब मैं लिखता हूँ और बहुत सारी स्पेलिंग्स गलत हो जाती है तो वो पूरी गलतियों मिस्टेक से भर जाती है जो कि मुझे पसंद नहीं है। रवि, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही रहे हो, वी डोंट लाइक टू मेक मिस्टेक्स, हमें गलतियां करना पसंद नहीं है। टर्न द पेज नंबर 10। अशोक, एंड वी वॉन्ट मेक मिस्टेक्स इफ वी आर केयरफुल, वी मस्ट नॉट मेक मिस्टेक्स फॉर 2 reasons, फर्स्टली इट शोज दैट वी आर लेजी एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो बैड मैनर्स। अशोक कहता है कि यदि हम पहले से ही केयरफुल रहें, मतलब ध्यान दें, तो हमारी गलतियां नहीं होंगी, और हमें 2 कारणों से गलतियां नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट, एक तो हमें लेजी फील नहीं करना चाहिए, एंड सेकेंड, यही हमारी सबसे बुरी आदत है। आनंद, वॉट हैव मैनर्स टू डू विथ मेकिंग मिस्टेक्स,
आनंद पूछता है कि हमारी गलतियों का हमारे मैनर्स से क्या लेना देना। रवि, परहैप्स अशोक इज राइट, कि शायद अशोक सही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गुड मैनर्स इज दैट दे प्लीज पीपल, अवर मिस्टेक्स मेक रीडर्स अनहैप्पी। रवि कहता है कि परहैप्स अशोक सही है, क्योंकि गुड मैनर्स की सबसे अच्छी बात या सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यह होती है कि हमारे व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से लोग खुश होते हैं। यहाँ पे प्लीज का मतलब है खुश होना। और हमारी गलतियों से, यदि हम बुक में गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो वह पढ़कर लोग अनहैप्पी मतलब दुखी होते हैं। आनंद, लुक देयर इज द हेड मास्टर, देखो यहाँ पर हमारे हेड मास्टर है। हेड मास्टर मीन्स प्रिंसिपल। हेड मास्टर, हेलो बॉयज, हाउ आर यू, डू यू लाइक योर न्यू स्कूल अशोक। हेड मास्टर न्यू बॉय अशोक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें स्कूल पसंद आया। अशोक, यस सर, आई हैव मेट आनंद एंड रवि। हाँ सर, मैं आनंद और रवि से मिला, एंड दे हैव बीन फ्रेंडली, और यह मेरे फ्रेंड बन गए। दे हैव मेड मी फील एट होम इन अ न्यू प्लेस, इन्होंने मुझे एक नई जगह पर बिल्कुल घर जैसा फील करवाया। दे आर टेकिंग मी राउंड द स्कूल, और ये दोनों मुझे स्कूल घुमा रहे हैं। हेड मास्टर, दैट्स वेरी नाइस, इट्स नाइस टू बी फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर्स, वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट। हेड मास्टर कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों ने एक स्ट्रेंजर मतलब यहाँ पे स्ट्रेंजर का मतलब है अ न्यू बॉय, जो कि क्लासमेट है, ठीक है, उसे फ्रेंडली बनाना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी स्ट्रेंज पर्सन को अपना फ्रेंड बना लें। और प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि अब आप नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। रवि, सर वी विल शो अशोक अवर साइंस लेबोरेटरी एंड द स्कूल म्यूजियम नेक्स्ट, कि सर अब हम अशोक को अपनी साइंस लैब और म्यूजियम दिखाने ले जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपका लेसन 2 फिनिश हो चुका है, क्लियर, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।